हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू अवर चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डज और डू। डज एंड डू का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है हर किसी के माइंड में, तो आज हम क्लियर कर देंगे डज और डू कहाँ यूज़ करा जाता है और मतलब क्या होता है। सो बेसिकली डज और डू इनका यूज़ जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं हम लोग इंग्लिश में, वायल कम्युनिकेशन, वायल कम्युनिकेटिंग, वाइल स्पीकिंग। जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो हम डज और डू है जो वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं यूज़, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही और सी जो है उनमें हम डज का यूज़ करते हैं। डज थर्ड पर्सन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं डज का। बात करें अगर डू का, तो डू के बारे में क्या है, डू कहीं ना कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं, जिसमें सॉरी सिंगुलर नहीं प्लूरल, डू जो है वो सब्जेक्ट के साथ जहाँ पर आई यू वी दे ये क्या है सब्जेक्ट है, इनके साथ में हम हमेशा डू का यूज़ करते हैं। और यानी प्लूरल नाउन जो भी होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो, उस कंडीशन में हम कहीं ना कहीं डू का यूज़ करते हैं। जहाँ पर कोई प्लेस हो, पर्सन हो या फिर कोई थिंग, इन ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर प्लूरल सेंटेंस की, पूरा एक से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये होता है डू का यूज़ कहाँ करते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे डू कहाँ यूज़ करा जाता है। और डज जो है वो ही के साथ डज यूज़ करेंगे, सी के साथ डज यूज़ करेंगे। एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव के साथ मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में, ज़्यादातर डू और डज जो है वो नेगेटिव में यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं नेगेटिव। सपोज मान लीजिए चीकू सच नहीं बोलता है, तो अगर हम इसको अगर ट्रांसलेट करें तो बहुत इजी सिंपल है, चीकू डज नॉट स्पीक दैट ट्रुथ, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, चीकू एक सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर डज लगा रहे हैं, डज नॉट स्पीक दैट ट्रुथ। इसी तरह से बच्चे शोर नहीं करते हैं, बच्चे शोर नहीं करते हैं, बहुत सिंपल है, चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइस। तो यहाँ पर बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे आ गए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने डू की बात करी, चिल्ड्रंस डू नॉट मेक अ नॉइस। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप डू और डज यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जैसे मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है, मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है, बहुत सिंपल है, आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर, आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर। इसी तरह से बहुत सारे अनलिमिटेड सेंटेंसेस हैं जो आप डू और डज पुट करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं काम से जी नहीं चुराता हूँ, या मैं काम से भागता नहीं हूँ, आई डू नॉट श्रिंक वर्क, जैसे शेर कभी घास नहीं खाता है, ये फैक्ट है, शेर कभी घास नहीं खाता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो बहुत सिंपल है, ईजी है, लॉइन डज नॉट ईट ग्रास, लॉइन डज नॉट ईट ग्रास। तो यहाँ पर डज हमने यूज़ करा क्योंकि लॉइन एक सिंगल है, सिंगल चीज़ की बात हो रही है, सिंगल लिविंग एनिमल की बात हो रही है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर लॉइन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने डज यूज़ करा, लॉइन डज नॉट ईट ग्रास। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल वेयर वी यूज़ डज और वेयर वी यूज़ डू। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, ये आपको तय करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे मान लीजिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर जो तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा लोग हैं, दो लोगों की बात हो रही है, एक जो कह रहा है और दूसरा जिसके लिए ज़रूरत है और जो मतलब सुन रहा है, तो दो लोगों की बात होगी तो यहाँ पर डू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है। यू डू नॉट नीड माई हेल्प, यू डू नॉट नीड माई हेल्प, आई होप अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसी तरह से ये कुत्ता नहीं भौंकता है, तो ये कुत्ता नहीं भौंकता है, यहाँ पर क्या है, द डॉग सिंगल चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर एक ही कुत्ता है, तो दिस डॉग डज नॉट वार्क, दिस डॉग डज नॉट वार्क। इसी तरह से बहुत सिंपल है, कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से वह धूम्रपान नहीं करता है, वह तंबाकू नहीं खाता है, गुटखा नहीं खाता है, ये कहते हैं इसको धूम्रपान करना बोलते हैं, तो वह धूम्रपान नहीं करता है, ही डज नॉट स्मोक, यहाँ पर भी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो यहाँ पर डज लगाएंगे, ही डज नॉट स्मोक। इसी तरह से तुम नहीं गाते हो तो यहाँ पर क्या है, दो लोगों की बात हो गई तो यहाँ पर डू लगाएंगे, प्लूरल हो गया।
यू डू नॉट सिंग। इसी तरह से और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कहीं ना कहीं बेरिश्वत नहीं लेते हैं। अब बेरिश्वत नहीं लेते हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा हो गया, बे मतलब वहाँ पर बे वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो, तो बे मतलब डू, यहाँ पर प्लूरल डू लगाएंगे। दे डू नॉट टेक अ ब्राइब, दे डू नॉट टेक अ रिश्वत। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डू और डज, जैसे कहीं ना कहीं भय सेब पसंद नहीं करता है, भय अमरूद पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पर सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो ही डज नॉट लाइक एप्पल और एनीथिंग। जैसे हम दोपहर में टीवी नहीं देखते हैं, तो आजकल तो वैसे भी टीवी बहुत कम ही लोग देखते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग कहें तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत आसान है, हम दोपहर में टीवी नहीं देखते हैं, हम मतलब वहाँ आता है यहाँ एक से ज़्यादा लोग हों तो यहाँ पर भी डू लगाएंगे, वी डू नॉट वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। तो बहुत सिंपल है, हम दोपहर में टीवी नहीं देखते हैं मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं तो डू लगाएंगे, वी डू नॉट वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। इसी तरह से मैं बिस्तर पर नहीं सोता हूँ, आई डू नॉट स्लीप ऑन द बेड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि कहाँ डू लगाना है और कहाँ डज लगाना है, ये आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो बाकी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स फ्यूचर वीडियोस पाने के लिए, एंड बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर कर दें सो दैट यू कैन गेट अवर वीडियो ईजिली इन फ्यूचर। तो आशा करते हैं कि ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और अगर आप ऐसे ही अगर कोई भी कंटेंट चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन अवर कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल मेक दैट वीडियो वॉट एवर यू वॉन्ट। सो कहीं ना कहीं जो डू और डज है वो नेगेटिव में यूज़ करते हैं, और डज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं जिसमें ही और सी आते हैं, ज़्यादातर सिंगुलर चीज़ें वो वहाँ पर हम डज लगाते हैं, और बाकी प्लूरल फॉर्म में हम डू लगाते हैं जैसे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करके यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, धन्यवाद। Thank you.